दोस्तों अभी इतना गर्मी लग रहा था तो इसको मिल्क शेक पीने का मन था तो मिल्क शेक पी रहे हैं हम लोग। तो आज से बाउंड्री का भी काम होगा हम लोग का, जो बगल में जैसे भी बुलाए तो आज बाउंड्री का वो बुनियाद खुलवाएगा। ये बेडरूम ये वाला हम लेंगे क्योंकि ये रूम में अच्छा लगेगा, ये साइड खिड़की रहेगा और यहाँ बेड के पास से ये स्विच बोर्ड रहेगा। तो आज देख सकते हैं दोस्तों मम्मी दाल टिक्की बनाई है। कमेंट में बताइएगा कि इसको क्या बोलते हैं आप लोग के साइड। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। तो अभी सुबह हो गया है, नहा कर रेडी हो गए और नाश्ता भी हो गया हम लोग का। तो अभी न्यू वाले घर में आए हुए हैं। तो अभी पीछे का तो कल प्लास्टर बह गया था, पानी इतना पड़ा था कि। तो अभी मम्मी दी है रोटी गाय को खिलाने के लिए, तो बगल में ही गौशाला है तो वहाँ जाके खिला देते हैं। तो दोस्तों अभी गाय को रोटी खिला दिए हैं, तो अभी आ गए हैं यहाँ पे घर में। तो देखते हैं आज कितना काम हो रहा है और क्या क्या काम चल रहा है। तो अभी तो यहाँ मसाला साना हुआ है ग्रेनाइट के लिए जो सीढ़ी में लग रहा है, और इस साइड तो प्लास्टर हो रहा है तो शायद बम्बू इसको यहाँ पे सेट कर रहे हैं अभी। तो दोस्तों अभी इंटीरियर का काम चल रहा है, पर काम तो चल रहा है लेकिन स्लो चल रहा है। तो शायद इन लोगों के पास मटेरियल भी नहीं है अभी, तो वहाँ पे रांची में बात किए थे वहीं से हम लोग का सारा काम हो रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये लोग उसको बराबर कर रहे हैं और अंदर में बेड का काम चल रहा है। और जितना वहाँ पे गेट लगा हुआ था सब में वो सनमाइका चिपक रहा है। यहाँ कटिंग पीस रखा हुआ है और यहाँ पे इसके साइड का जो कॉर्नर है उसमें चिपक गया है, और यहाँ पे ये शायद प्लेन कर रहे हैं उसको। तो इधर तो काम हो रहा है और ऊपर चल के देखते हैं कि कितना सीढ़ी में ग्रेनाइट लगा है। तो चलिए। तो दोस्तों हम लोग का सीढ़ी का जो ग्रेनाइट है वो छत तक पहुंच गया है। तो देख सकते हैं यहाँ का चौताल बन रहा है। और कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा ऊपर तक में? बस कल। कल तो दोस्तों कल तक में हम लोग का सीढ़ी कंप्लीट हो जाएगा और ये सब में स्कार्टिंग भी लग जाएगा। तो पीछे साइड तो प्लास्टर हो रहा है, देखते हैं कितना हुआ है। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं रामगढ़, जो ऊपर में लाइट लगा हुआ है वो लाइट जो फर्स्ट फ्लोर में लगेगा तो वो सारा दूसरा लाइट दे दिया, उसको वार्म लाइट बोले थे तो दूसरा लाइट दे दिया तो उसको वापस करना होगा। तो जा रहे हैं अभी रामगढ़ हम और सुजल। तो दोस्तों अभी रुक गए हवा चेक करवाने के लिए, पीछे का टायर में हवा कम लग रहा है तो इसमें डलवा ले रहे हवा। तो दोस्तों यही दुकान है, सामान दे दिए यहाँ पे, अब यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। तो अभी दोस्तों रिलायंस मार्ट आया है, कुछ शॉपिंग भी करना है तो कर ले रहे हैं। दोस्तों अभी आए इसके लिए डायपर लेने के लिए, तो डायपर ले ले रहे हैं। इतना गर्मी लग रहा था तो इसको मिल्क शेक पीने का मन था तो मिल्क शेक पी रहे हैं हम लोग। दोस्तों हम लोग को जितना काम था वो काम तो हो गया है, और गाड़ी में तेल भी डलवाना था डलवा लिए, अब यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग घर की तरफ। ठीक है तो चलते हैं। तो अभी शाम के बजे है 5 और अभी हम आए हुए हैं न्यू वाले घर में, तो देखना है कि कितना आज काम हुआ दिन भर में। तो आज तो उतना टाइम थे नहीं हम यहाँ पे, तो अभी आए हुए हैं, चलिए देखते हैं कितना कितना काम हुआ अभी। आज यही काम हुआ है कि इसमें स्लैब लग गया है, जो ये ग्रेनाइट लाए थे वो लग गया है यहाँ पे मोल्ड भी हो गया है इसको, तो अब थोड़ा इसमें अच्छा लग रहा है तो सारे में लग गया। अभी ये चिपका नहीं है, सिर्फ रखा हुआ है इस पर, तो ये कल चिपकेगा। और यहाँ तो वो जो चूल्हा था उसका कटिंग हुआ है तो इसको भी फिट करना है अभी। इधर दोस्तों ये बेड बन चुका है, वो जो गेट है वहाँ का इस सब में चिपक के रखा हुआ है सूखने के लिए। और यहाँ तो अपना बेड का पीछे का बैकग्राउंड है, यहाँ पे टीवी यूनिट है और ये बेड तैयार हो गया है। तभी अभी इसको खोल के देख सकते हैं कि नहीं उठ रहा है? अभी तो उठ जाएगा लेकिन वो सामान रखा हुआ है। ठीक है चलिए। तभी दोस्तों पीछे चलते हैं, पीछे देखते हैं कि कितना प्लास्टर हुआ है और कितना नहीं हुआ है। तो आज दोस्तों इधर का प्लास्टर हो गया है इतना, इस साइड का पूरा कंप्लीट हो गया प्लास्टर, अब उस साइड का होगा तो कल से ये बांस खुलेगा और उस साइड बांस लगेगा वो वाला। तो देखते हैं कल से स्टार्ट करता है कि नहीं प्लास्टर। तो अभी ऊपर चलते हैं और ऊपर देखते हैं कि कितना ग्रेनाइट लगा सीढ़ी में। तो चलिए। तो दोस्तों इधर का तो चौताल लग गया पूरा और ऊपर तक चला गया है यहाँ तक, तो भैया बोले कि कल तक कंप्लीट हो जाएगा पूरा सीढ़ी, अब बस सीढ़ी यहाँ तक बाकी है, फिर ये लास्ट था तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो अभी रात के 9 बजे है और अभी हम घर आए हैं खाना खाने के लिए। तो आज मम्मी बनाई है दल पिट्ठी चोखा और ये आलू, इसको बैगन भरता बोलते हैं, तो ये हमको बहुत टेस्टी लगता है तो इसलिए मम्मी को बोले थे बनाने के लिए। तो खा के टेस्ट करते कैसा बना है। अच्छा बनाया दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। तो आज दूसरा दिन है ब्लॉग का, तो अभी जिम आए हुए हैं तो आज जिम में मारेंगे शोल्डर। तो मिलते हैं आप लोग के। अच्छा,
तो दोस्तों अभी हम लोग का वर्कआउट खत्म हो गया, अब घर के लिए निकल रहे हैं और डाइट लेंगे जाके घर में। अभी हम लोग के घर के बगल में ही रहते हैं। आज से ही स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट हुआ है, कल से पूरा बॉडी बन जाएगा हम लोग का भी। दोस्तों अभी नाश्ता करके हम न्यू वाले घर में आ गए हैं, तो आज से बाउंड्री का भी काम होगा हम लोग का। जो बगल में जैसे भी बुलाए हैं तो आज बाउंड्री का वो बुनियाद खुलवाएगा, तो ठीक है देखते हैं। तो दोस्तों अभी जेसीबी का सारा काम हो गया है, जितना फ्रेंच कटना था पिलर का और बाउंड्री का वो हो चुका है और सारे ज़मीन को फ्लैट करवा दिए हम लोग। तो अभी लंच टाइम हो गया, तो सारे गए लंच करने और कुछ थोड़ा रेस्ट करेंगे। तो अभी हम भी जा रहे हैं घर और वहाँ जाके खाना खाएंगे, तो फिर मिलते हैं शाम में आप लोग से। तो दोस्तों अभी दोपहर के 3 बज चुके हैं, तो अभी आए हुए थे न्यू वाले घर में, तो कुछ सब्सक्राइबर भाई पापा से मिलने आए हुए थे। तो ये भैया आए हुए हैं पापा से मिलने के लिए। हेलो। लेकिन यही है कि पापा है नहीं, यहाँ पे गए हुए बाहर, तो मिल नहीं पाए पापा से। बहुत ही दुख हुआ, लेकिन अच्छा लगा कि वो नहीं है तो उनका बेटा सही। वो इनसे भी बहुत ही अच्छा, हमें हर कुछ देखने को मिला, हर कुछ सुनने को मिला, अच्छा लगा मुझे। अभी दोस्तों इस वाले ज़मीन का तो काम हम लोग का हो ही रहा है, ये पूरा हो चुका है देख सकते हैं ऊपर से। नीचे में भी किचन का काम हो रहा है, तो अभी आपको दिखाते हैं हम लोग का कौन कौन सा किसका बेडरूम है। ये बेडरूम शायद मम्मी लगी, अभी इसमें ताला लगा हुआ है। और ये वाला जो बेडरूम है, ये वाला हम लेंगे क्योंकि ये रूम में अच्छा लगेगा, ये साइड खिड़की रहेगा और यहाँ बेड के पास से ये स्विच बोर्ड रहेगा। तो मेरा आदत है कि मोबाइल चार्ज लगा के खेलते रहने का, तो वो अच्छा रहेगा। और ये ऊपर में एक बेडरूम ये वाला है, तो ये वाला हो सकता है कि सागर भैया, सौरभ भैया कोई दोनों में से लेगा। इसमें बालकनी भी है आपका। तो दोस्तों अभी न्यू वाले घर में आ गए हैं, खाना पीना हो गया है हम लोग का, तो अब जा रहे हैं सोने। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।